देखिए कबूतर है, ये ब्रीडिंग करने के लिए रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डेम्सी। अच्छा कोजा को कोई है ना? हाँ। ये कुछ दिन बाद पूरा डीप रेड हो जाएगा। डीप रेड हो जाएगा। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप लोग देख रहे हैं आकाश ब्लॉग एंड पेट्स यूट्यूब चैनल। तो फिर से आ गए और एक नया वीडियो लेकर आप सभी का सामने। तो आज आ गए आयुष फिशरी में, आयुष फिशरी का वीडियो लेके। तो पीछे जो खड़ा है आप लोग सब लोग जानते कि दादा का नाम क्या है और दादा का जो फार्म का नाम क्या है। तो फिर से मैं पूछ लेते हैं दादा का नाम क्या है। मेरा नाम है राम पाड़ू। तो दादा आपका जो फार्म है, तो आज का इस वीडियो का माध्यम से जो लोग देखेगा वीडियो, तो कौन सा मछली का कलेक्शन देख पाएंगे? अभी तो पहला बात तो ये कि आकाश सही वक्त पे आया है, बहुत कुछ दिखाने को है, मगर हमारे पास कैमरामैन नहीं है इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं पाते। तो एक वीडियो में शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा, दो वीडियो शायद तुमको बनाना पड़ेगा। अच्छा, फिर भी क्या क्या है चलो दिखाते, आप लोग भी देखिए एंजॉय कीजिए। मैं बहुत इंतज़ार करके ये वीडियो आज मौका मिला, ठीक है, बहुत इंतज़ार करके आयुष फिशरी का एक वीडियो मैं पा गया और मौका भी मिला। तो आप कैसे हैं बताइए? मैं तो अच्छा हूँ, तुम कैसे हो बोलो? मैं भी अच्छा हूँ। और आपका बिजनेस क्या है, ठीक चल रहा है ना? हाँ ठीक, मतलब क्या के बात तो भेजता ही हूँ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा बात है कि अदर कंट्री में आप देते हैं, तो ये वेस्ट बंगाल का नाम और भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आपके वजह से ही हो रहा है ये सब, मतलब आयुष फिशरी को सब लोग जानते हैं दादा का। मैं भी व्यूअर्स हूँ चैनल में, ठीक है, तो मैं भी आकाश भाई का ब्लॉग देखता हूँ। कल जब तुमने फोन किया था तब भी तुम्हारा ब्लॉग घर पे दिखा रहा था कि भाई आएगा कल। तो ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कलेक्शन। ठीक है, कबूतर कोई देखिए, कबूतर है, ये ब्रीडिंग करने के लिए रखा हुआ है, 4-5 महीने पहले ही खरीदा है हम लोगों ने। अच्छा अच्छा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता है। मेरे पास कुआकू कुजाकू सब है, दिखाते हैं आप लोगों को। तो कुआकू भी मिल जाएगा, मतलब जापानीज कोई का बहुत सारा आइटम। हाँ हाँ, प्लैटिनम ओगन है, ब्लैक सामुराई है, सब। अच्छा। ब्रीडिंग करने के लिए रखा हुआ है, अभी तो फार्म का सेटअप पूरा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एग्जॉटिक। अच्छा। मछली बहुत सारा ब्रीड करेंगे, दिखाते हैं आपको। अच्छा अच्छा, देखिए और भी है, दिखाते हैं इसमें। अभी नेटिंग चल रहा है, नेटिंग चल रहा है, मतलब एक हफ्ता में कितना बार नेटिंग करते हैं आप लोग? एक टैंक में महीने में एक बार ही नेटिंग होता है। अच्छा, महीने में? हाँ। अच्छा, ये देखिए ग्रीन टाइगर, ग्रीन टाइगर है। अच्छा, छोटा साइज का है, बड़ा होने के बाद सेल करेंगे। और दादा एक बात, एक सवाल है कि इधर से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होलसेल ही होते हैं ना? हाँ, सब होलसेल ही होते हैं, रिटेल नहीं होते हैं। हमारे पास खाने वाला मछली भी है टैंक में, एक मिनट आप लोगों को दिखाते हैं। खाने वाला मछली भी है, मतलब ये देखिए कलर पीसेस के साथ हम लोग खाने वाला मछली भी करते हैं। देखिए मछली का नाम क्या है? एक कतला है। कतला, कतला। अच्छा, ये देखिए कुजाकू एक, सकर है ना? सकर। हाँ हाँ हाँ, सकर पीस। इधर प्लैटिनम ओगन, इधर वो जापानीज को ही आते हैं, प्लैटिनम ओगन, प्लैटिनम ओगन। अच्छा हाँ हाँ, इसका स्केल रेनबो के जैसा चमकता है। अच्छा, सामने से देखेगा तो पता चलेगा। और ये मतलब मछली का इंच क्या है अभी? अभी तो ये ब्रीडिंग का साइज का है, करीबन 8 इंच का है, मगर ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ है, इसका तो साइज जानने का कोई फायदा नहीं है, एज होने के बाद ही हो जाता है। हो जाएगा। कोई अचानक देखेगा तो इसको सोचेगा कि मिल्की कप है, मगर ये मिल्की कप नहीं है, मिल्की कप है। वो देखो कुजाकू, छोटो कुजाकू, बड़ो कुजाकू, सब एक कुजाकू बोल जी कोबटो ही। ये देखिए जैक डेम्सी,
इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डेम्सी। अच्छा ए, बहुत सारा आइटम मिल जाएगा इधर। हाँ इधर तो ये टैंक में तो बहुत मिक्स्ड है ना। हाँ हमारा सभी टैंक में मिक्स्ड आइटम ही जाएगा। और टैंक का अभी साइज क्या है ये? हाँ 3000 square feet के आसपास। 3000 square feet। डेप्थ क्या है? डेप्थ 6 feet। 6 feet। उधर नेटिंग करके मछली रखा है। हाँ हापा में मछली रखा हुआ है। ये देखिए ये सब हमारे घर पे खाने के लिए है, बेचने के लिए नहीं। खाने वाला मछली हम बेचने के लिए नहीं रखते, घर पे खाने के लिए रखते हैं, मगर ये मछलियों को हार्म नहीं पहुंचाता है। अच्छा देखिए दोस्तों ये कबूतर है ना। কিসে কি দিচ্ছ এটা? এটা কি গোল্ডেন? ও ও ও দিবি জানো না, রাখো না একটু ছেড়ে দিছ। হ্যাঁ না না ये है अमूल का। अच्छा। इलिस का बदले में आया है ये, मीठा पानी का इलिस बोलता है इसको। अच्छा ठीक है, खाने में उतना इलिस का तरह टेस्ट नहीं है। अच्छा। फिर भी चलता है, अभी नया निकला है, आगे साल से बहुत चल रहा है। 3-4 साल हुआ है अभी निकला है, अभी बहुत चल रहा है इधर। इधर बहुत चल रहा है। हाँ खाने वाला मछली, खाने वाला मछली है। कोजाकू कोई है ना? हाँ ये इस साल ब्रीड होगा, मार्केट में अवेलेबल कर दूंगा मैं पूरा। इस साल ब्रीड होगा? हाँ ब्रीड हो चुका है, कुछ बच्चा हुआ है, मगर थोड़ा बड़ा करके भेजूंगा। ये भी कोजाकू कोई है? हाँ ये भी कोजाकू कोई है। ब्रीडिंग के लिए आप रखा है? सब ब्रीडिंग के लिए रखा है, सब एक साथ रखेंगे तो देखने में बढ़िया लगेगा जब एक साथ रखेंगे। हर एक साइज का गोल्ड पीस है, इसमें रेड कैप भी है, सब होम ब्रीड है। होम ब्रीड रेड आ रहा है तो हर एक साइज का है। इसमें से सब सॉर्टिंग होता है, सॉर्टिंग होने के बाद बिकता है, और भी बहुत उठेगा इसमें से। अच्छा दादा सॉर्टिंग का मतलब क्या होते हैं? सॉर्टिंग का मतलब साइज के हिसाब से अलग अलग करेंगे, उसके बाद वो बिकेगा। मानिए कि जिसको 3 inch का ऑर्डर है, 3 inch का उसका सॉर्टिंग करेंगे आज, पहले इसको उठा के हापा में रखेंगे, उसके बाद टैंक में कल रखेंगे, रखने के बाद 2 दिन उसको क्वारंटाइन करेंगे, उसके बाद बेचना शुरू करेंगे। क्योंकि ये सब मछली ना मिट्टी खाया है, ये तो तालाब के जैसा है ना बड़ा टैंक, तो मिट्टी खाया है, मिट्टी पहले निकलना चाहिए, उसके बाद उसको फ्रेश खाना खाना चाहिए, उसके बाद बेचते हैं हम लोग मछलियों को। इसमें कोई कप भी है, देखो ये देखो बड़ा कोई कप है, ये कुआकू नहीं है मगर कुआकू के जैसा ही है, कुआकू के जैसा ही है। हाँ। और भी है ये देखो, छोटे में भी है इंपोर्टेड कलर का बहुत सारा, सब सॉर्टिंग करेंगे उसके बाद बेचेंगे। ये
ये व्हाइट और ब्लैक से है। हाँ, पूजा को का तो हर एक पैटर्न होता है कुआ के जैसा। हाँ, ये एक फुट हो जाएगा ना? हाँ, एक फुट से बड़ा है। बड़ा है। घोड़ा में भी है ऐसा। बहुत सारा वैरायटी रखते हैं हम लोग। अभी तो बहुत सारा चला गया था। हाँ, चला गया। ये टैंक क्लियर करने के लिए हम लोग ये मछली उठा रहे हैं। मतलब जितना भी स्टॉक था आधे से ज्यादा चला गया। बाकी जितना भी टैंक है हमारा सब क्लियर होके नया मछली छोड़ दिया गया है उसमें। ये दो फीट से ऊपर होगा। 2 kg से ऊपर होगा। 2 kg से ऊपर। हाँ, कम से कम 2.5 kg करीब हो जाएगा। कलर देखिए कितना सुंदर कलर है। मगर खाने वाला मछली है। ये तो बिकने के लिए नहीं है ना? नहीं, हम लोग घर में खाते हैं। ये देखो, आप लोग को रख देते हैं बाहर। इधर दिखाओ। ये मछली का नाम क्या है? कार्प। ये ऑर्डिनरी कोई कार्प है, मगर इंपोर्टेड के जैसा कलर है। हाँ, ठीक ठीक। ये भी जापानीज को ही है ना? नहीं, लोकल ही है। जापानीज का लग रहा है। जापानीज का कलर का है। कलर का है। बहुत है जापानीज कलर का हमारा। ये देखो, ये बड़ा होने के बाद पूरा कुआ कुके जैसा बन गया। हाँ हाँ, ठीक ठीक। आज होने का बहुत जापानीज कलर का था। बहुत अच्छा अच्छा कलर तो पहले ही उठ जाता है, पहले ही बिक जाता है। ग्रीन टाइगर। ग्रीन टाइगर আতিও না আনন্দ কি করবে ওই দিয়ে দন্তকে দিয়ে দে আরেকটা জালে দিয়ে ছোট ছোট করে ছোট ছোট করে এই হাড়ি দিয়ে দেব। এ আবি সর্টিং হবা না? হ্যাঁ, সর্টিং হবা। এটা ভাত থেকে ও মাইনিয়াতি যা মাছ আমি ছেড়ে দিই আই এও অর্ডিনারি কাজ না? হ্যাঁ, মগর এইসা ভি জাপানিজ কোই হোতা হ্যায়। কিয়া নাম বলতে উসকো পাতা নেই। तो ये सिल्वर सर्क है। ये ब्रास गोल्ड है ना, ये काला वाला जो? हाँ, ये ब्रास गोल्ड है। ये कलर आ जाएगा। अभी देखिए कलर आ रहा है धीरे धीरे। आ रहा है ना? हाँ, ये देखिए कलर आ रहा है। देखिए ऐसे, देखिए कलर आ रहा है। ये 15-20 दिन में कलर आ जाएगा। ये कुछ दिन बाद पूरा डीप रेड हो जाएगा। डीप रेड हो जाएगा। हाँ, उसका बात। ये नाम मतलब ब्रास गोल्ड ही? अब ब्रास गोल्ड नहीं रहेगा, उस टाइम रेड गोल्ड हो जाएगा। रेड गोल्ड हो जाएगा। अच्छा, सभी गोल्ड पहले शुरू में ब्रास रहता है, ब्रास के बाद ये कलर आता है। कलर आता है। अच्छा, तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप कमेंट करके बताइए। तो चैनल में जो अब जो फ्रेंड नया है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नया वीडियो अपडेट पाने के लिए। और मैं रोज़ वीडियो देता हूँ इस चैनल में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और कमेंट करके बताना ही पड़ेगा कौन सा पार्ट अच्छा लगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।